पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या नाम है सर? मेरा नाम अंबुज खन्ना है। अंबुज जी, आपके पास राम मंदिर का इन्विटेशन आया है जी। किसके नाम से इन्विटेशन आया है और जो फोटो का इसमें जिक्र करा जा रहा है, किसका फोटो है, क्या आंदोलन? ये जो राम मंदिर का इन्विटेशन आया है, ये मेरे फादर डॉक्टर ओमकारनाथ खन्ना जी के नाम से आया है। और इसमें एक फ़ोटो जो है हमारे दादाजी श्री दाऊदेल खन्ना जी का भी है, जिसमें उनके जो योगदान रहा है, कैसे इन्होंने उठाया था मुजफ्फरनगर में, उसका जिक्र किया गया है। उसमें एक सज्जन वो भी हैं, बाकी तो कई लोगों बाद में उसमें आंदोलन में जुड़े, सबका जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में से एक दादाजी का जिक्र है उसमें। क्या किस तरह से आंदोलन से जुड़े थे आपके दादाजी? दादाजी ने 1983 में मुजफ्फरनगर में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें अपने विचार रखे थे, जिसमें स्वर्गीय गुलजारीलाल नंदा जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, डालमिया साहब और कई महान लोग उसमें शामिल थे, और करीब 1,00,000 से ऊपर की उसमें गैदरिंग थी। तो उसमें बाऊजी को इनवाइट किया गया था, बाऊजी ने उसमें अपने विचार रखे और फर्दर उसे प्रोसेस करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हमारी जो दूसरी मीटिंग है दिल्ली में है, आप दिल्ली में भी आमंत्रित हैं। तो उसके बाद वो दिल्ली में उन्होंने रखा। तो दिल्ली में रखने के बाद जब उनके सभी मीटिंग्स जो भी निष्कर्ष निकला, उसमें ये हुआ कि हमें इससे जुड़ना है और हमें जो इस पे आगे काम करना है। तो फिर उन्होंने जो है साहब इसमें विश्वहिंदू परिषद और RSS सब इसके उसके बाद में जुड़े। तो राम मंदिर के जो आंदोलन था, कहा जाता है कि दाऊदेव खन्ना जी जो है वो से सबसे मेन थे जी। कैसे स्टार्टिंग करी उन्होंने, कैसे? कहते हैं कि मुझे कोई सपना आया और सपने में मेरे आराध्य श्री प्रभु राम जी ने मुझसे कहा कि भाई मेरे को यहाँ से करो, मैं यहाँ ताले में बंद हूँ। तो फिर वो जो है उन्होंने थोड़ा विचलित हुए, थोड़ा अपने डिस्कस किया अपने जो भी उनके संघ के लोग थे, और फिर उन्होंने जो है उस पर पत्राचार शुरू किया। बाऊजी जो हैं हर चीज़ को लिख के उसमें करते थे, और एक उन्होंने जो लेटर जितने भी लिखे हैं लोगों को इस के रिगार्डिंग में, उन्होंने एक इसकी पत्रावली बनाई थी, एक बुकलेट, और जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और VP सिंह जी, बूटा सिंह जी, सबको जो पत्र लिखे गए हैं उसमें सबको सम्मिलित करा गया है। इसमें शाहबुद्दीन जी का भी उन्होंने लेटर एक लिखा था, मुझे मेरे पास है वो, कि उसमें रिक्वेस्ट करी गई थी कि साहब इसे जो है इस मैटर को आप प्रोसेस कराएं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनके द्वारा नहीं हो पाया। और फिर एक जो अलग जगह सब में, तो वो प्रभु के उससे जो है सब चीज़ें कामयाबी पे कामयाबी होती चली गई। पहले तो ये माने कि राम मंदिर का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत मुरादाबाद से जी, आज़ादी की मेरठ से और आंदोलन की मुरादाबाद से राम मंदिर के दाऊदेव खन्ना जी माइंड के पत्थर रहे जी। जी सर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे इतना उन्होंने बड़ा काम किया है जो हिस्ट्री। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।